यूपी के बुलंदशहर में 22 वर्षीय अपहृत युवक चेतन को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बुलंदशहर स्वात टीम और ककोड़ पुलिस की संयुक्त टीम ने चेतन की बरामदगी की। 24 जुलाई को ककोड़ से बुलंदशहर जाते वक्त कार सवार बदमाशों ने कर लिया था चेतन का अपहरण। अपहरणकर्ता पीड़ित के परिजनों से लगातार कर रहे थे 25,70,000 की मांग। आरोपियों से अल्टिका कार, 2 तमंचे, 3 मोबाइल फोन भी बरामद। चेतन के साथ नोएडा के एक कॉलेज से मुख्य अपहरणकर्ता बबलू ने की थी पढ़ाई। पुलिस ने अपहरण के 48 घंटे के अंतर्गत अपहरण चेतन को सकुशल किया बरामद। इसी महीने के 24 तारीख को एक गिरिराज सिंह नामक व्यक्ति हैं जो धनौरा के रहने वाले मूलतः हैं, लेकिन इसमें मानसरोवर कॉलोनी कोतवाली नगर में रहना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने थाने पर सूचना दी कि 23 तारीख से उनका लड़का चेतन नाम का, जो 22-24 साल का है, वो गायब है। उस पर छानबीन की गई तो इन्होंने एक तहरीर दिया जिसमें 2 लोगों को आरोपित किया इन्होंने, जिससे बताया कि उनकी मित्रता भी थी और धमकी भी दिए थे और इसके पहले एक आधबार उनके घर पे भी आए थे। इस क्रम में पुलिस ने जब छानबीन शुरू किया तो पता चला कि इन लोगों का आपस में रिश्ता ये था। एक तो एक लड़का उसमें से जो जिनका उन्होंने नामजद किया था, इनके साथ दिल्ली में पढ़ता था। दूसरे, इन लोगों ने एक किसी ग्रुप से जुड़ गए थे लोग, जिसमें चौगुना पैसा, जो पैसा लगाया जाएगा उसका चौगुना पैसा प्राप्त होने का लालच दिया उसने। उसी क्रम में जो पीड़ित है वो भी पैसा अपना लगाया, और प्लस जो लोग इसको अपहरण करने के वाले हैं इनका पैसा भी उसमें लगा। ये लोग उस पैसे की वसूली चाहते थे, पैसा इनका नहीं मिल रहा था या जो भी कारण था। ये लोग 24 तारीख को आए और ये लोग 5-6 व्यक्ति थे, इसमें से एक अर्टिगा गाड़ी थी। अर्टिगा गाड़ी में उस लड़के को डाले और डाल करके ये लोग ले चल के अलीगढ़ चले गए, जहाँ के लोग रहने वाले हैं। इसको वहाँ पर बंधक बना करके एक जंगल में डाल दिए। वहाँ से फिर दूर हट करके फ़ोन से ये लोग व्हाट्सअप कॉल से उसके रैनसम कॉल करने लगे, पैसे की फिरौती मांगने लगे कि 25,00,000 रुपए उसमें हमारे खाते में डालो, तब इसको छोड़ेंगे, नथा इसको मार देंगे। पुलिस सक्रिय हुई छानबीन की और उन्होंने इनका सर्विलांस भी इनके नंबर आधार लिए और इस तरह से इनकी इनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी इसमें से जो इसमें खटिन रचने वाले हैं या इसमें जो मौके शामिल रहे हैं, इसमें 4 ऐसे व्यक्ति अभी बाकी रह गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन उसकी छानबीन की जा रही है। और ये सभी इसमें से जो पकड़े गए हैं ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं। एक खुर्जा में अलीगढ़ का ही रहने वाला मूलतः है, लेकिन अभी सब खुर्जा में रह रहा है। 2 व्यक्ति यहाँ के भी हैं जिनके आपस में रिश्तेदार या इनसे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में पता किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एक इसका भाई है जो इनके प्लान में शामिल रहा है, उसके भी हम लोगों के पास कॉल्स वगैरह आई हैं, जिससे प्रूफ होता है कि वो इन लोगों को प्रोत्साहन दे रहा था और प्लानिंग कर रहा था। तो उसको भी हम लोग अभी व्यक्त बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं और उसको साक्ष कर एकत्रित कर रहे हैं। हाँ, इस टीम को इनाम SSP साहब द्वारा, चूँकि SSP साहब मौजूद नहीं है, निश्चित रूप से इनाम दिलवाया जाएगा और वो मैं रिक्वेस्ट करके इनाम को दूंगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।